हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नायरा स्वैम चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया था और नायरा की तबीयत पहले से बहुत बेटर है, बट अभी नायरा को मैंने आज नहलाया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि एक दिन और गैप करती हूँ, उसके बाद उसको कल नहलाऊँगी। सो अभी उसको बस मैंने थोड़ा वाइप से क्लीन करके और कपड़े पहनाकर सुला दिया है। अभी वो मैडम सो रही है, ऑलमोस्ट उसको हो गया आधा पौना घंटा, उठने वाली भी होगी क्योंकि इतनी देर में मैंने अपना काम कर लिया था, अपना लंच की तैयारी कर ली थी। लंच में बनाया मैंने बैंगन का भरता। सो अभी थोड़ी देर में नायरा उठेगी तो उसके लिए भी रोटी बनाऊंगी और अपनी भी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड का भी अभी ऑफिस स्टार्ट हुआ है तो वो भी अभी बिजी है, तो दोनों ही बिजी है, जैसे कि नायरा सो रही है और वो अपने ऑफिस के काम में बिजी है। सो दोनों फ्री होते हैं तो फिर हम तीनों खाना खाएंगे। आज का दिन बहुत ही गर्मी वाला है, अभी एसी चला के मैं आराम से बैठी हूँ ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, और टीवी देखने का मेरा मन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए और थोड़ा सा गपशप मारी जाए, और थोड़ी देर में जब ये लोग फ्री होंगे तो फिर तो काम करना ही है। सो सारा काम तो हो चुका है, आप करेंगे रेस्ट। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट की सो जाती हूँ, इतने नायरा भी उठेगी फिर उसके साथ ही लगना पड़ेगा, क्योंकि वो मॉर्निंग से ही मेरे साथ चिपकी हुई है कि मम्मा मेरे साथ रहो मेरे साथ रहो। जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो होता ही है उन्हें कि पेरेंट्स के साथ चिपके रहे। सो नायरा उठेगी तो मैं आपको मिलवाती हूँ नायरा से। नायरा को मैंने लंच करा दिया है और नायरा कर रही है अपना टीवी एंजॉय। लाला जी ने केला खाया, वो अपने कार्टून देखने में लगी हुई है और मैं आ गई हूँ अपना खाना बनाने के लिए। मेरा तवा अभी गर्म हो रहा है तो बस अब मैं अपना रोटियां बनाती हूँ और साथ में खाएंगे उसके सन्नाटे वाला रायता। मेरे अभी थोड़ी सी बिजी है, वो इतने फ्री हो जाएंगे इतने में रोटियां बना दूंगी। और नायरा मेरे पैरों पे आ गई है, नायरू काटी काटी नहीं, तो नायरा आ गई है मेरे पास ही कि मम्मा क्या बोल रही है, मैं देख कर आऊ। ये जो को लेके घूमते रहते हैं, नायरा ये क्या करता है, मम्मा पे गुस्सा, इतना गुस्सा, अरे 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 अरे। मैंने नायरू को डांट दिया, नायरू नो, मेरे पैर पे तो गुस्सा होके चली गई, आजकल बहुत गुस्सा करने लगी है। सो मैं जरा नायरू को भी देखूं और अपने मेरा तवा गर्म हो चुका है तो मैं अपनी रोटियां भी बनाती हूँ। नायरू आ गई, नायरू आ गई, नायरू आ गई। सो मैं नायरू को भी देखती हूँ और अपना खाना भी बनाती हूँ और उसके बाद खाना खा के मिलती हूँ, क्योंकि अब वो रोना धोना स्टार्ट कर देगी, आप मेरे को बिठाओ अपने पास, तो मिलती हूँ मैं आपसे। निकल गए हैं घर से बाहर, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मतलब इतना नॉर्मल भी नहीं है, गर्म हवा जरूर चल रही है पर धूप नहीं है, तो हमें थोड़ा सा काम था अपने स्टोर से तो हमने सोचा चलो अभी निकल लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और नायरा भी बोर हो रही थी क्योंकि 2 डेज से कहीं जा नहीं रही थी, बस डॉक्टर के पास ही गए थे हम और उसके बाद हम कहीं नहीं गए, तो इसलिए उसको हो रहा था कि चलो ना, मॉर्निंग से पीछे पड़ रही है, जैसे ही देखते मम्मी पापा फ्री हो गए, हाउस नहीं जा रहे बेटा, मिनी मिनी करने जा रहे हैं, तो जैसे वो हम दोनों को फ्री देख रही है तभी हम दोनों के पीछे पड़ रही है कि चलो ना मिनी मिनी चलो ना। सो बस अभी स्टोर से अपना सामान उठाएंगे और फिर थोड़ा सा नायरा को घुमा फिरा के स्टोर में फिर घर वापस आ जाएंगे। नायरा को मजा आता है एक्चुअली अब स्टोर में घूमने में, क्योंकि वो सामान देखती है तो उसको अच्छा लगता है, इसी बहाने नायरा का घूमना भी हो जाएगा और हमारा भी घूमना हो जाएगा, क्योंकि हम भी बोर हो रहे हैं नायरा के साथ कि घर में बैठे बैठे क्या करें, इतने दिनों से कंटिन्यू हमारा चलता जा रहा है घूमने फिरने का, तो इसलिए घर में अब मन ही नहीं लग रहा है हम तीनों का ही, तो अभी मौसम बेटर हुआ है तो इसलिए जाने का मन हो गया, तो चलते हैं स्टोर पर और अपना सामान उठा के घर वापस आते हैं। सामान हमने ले लिया है, डिटर्जेंट लेना था और साइकिल के लिए पंप लेना था वो लिया है, और नायरा ने अपनी ये बॉल तो लेनी लेनी थी तो वो बॉल ले लिया और नायरा हैप्पी हो गई और वहां पर जाके कहती है बॉल जब निकाल रहे थे कि और चाहिए मेरे को, तो हमने इसको बोला हमारे पास पैसे खत्म हो गए, बोली मैं मनी नहीं है, हमने बोला नहीं है हमारे पास। सो बस सामान रखते हैं और चलते हैं घर पर, बारिश भी हो रही है अभी तो कम हो रही है, धीरे धीरे बढ़ने वाली है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सो नायरा को बिठाते हैं अंदर और उसके बाद चलते हैं घर। हम घर पर आ गए थे और घर पर आकर मैंने दाल चावल बनाया और नायरा के लिए सिंपल दलिया बनाया, क्योंकि वो मिर्ची वाला खाना खा नहीं पा रही है तो इसलिए मैं उसके लिए दलिया ही बनाती हूँ वेजिटेबल्स डालकर या सिंपल दाल वाला।
और हमने अपने लिए बनाई है दाल चावल, जो कि नायरा प्लेट में देख ली है कि मैं भी खाऊंगी। अब नायरा चावल चावल को उठा के इधर उधर फेंकेगी, मुझे पता है नायरा को खाना तो है नहीं क्योंकि इसका डिनर हो चुका है। सो बस मेरे हस्बैंड अपना ब्रेक लेकर आया 15-20 मिनट का, तो वो खाना खाने के लिए आए और हम दोनों अब खाना खाने बैठे हैं। और अभी टाइम 10 बज गया है, मैं वेट कर रही थी, नायरा का थोड़ा सा दलिया खा लिया था जो बचाया था। एंड में बचाती जरूर आई है, आजकल ये करने लगी है कि मम्मा पेट दर्द हो रहा है, मम्मा टमी फूल हो गया, और अगर नहीं खाया जाता तो एकदम से वोमिट करने लगते हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ, चल कोई नहीं थोड़ा सा बच रहा है मैं ही खा लूंगी। सो नायरा का डिनर हो गया, अब हम करते हैं अपना डिनर, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं अपना खाना खाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हमारा डिनर हो गया है और दाल चावल हमने खा लिया है और मेरे फेवरेट है तो मैंने बहुत अच्छे से खाया है, पर मेरी दाल मेरी दाल और चावल थोड़े से बच गए, वो कल हम खाएंगे। और मेरे हस्बैंड फिर से काम में लग गए हैं अपने, थोड़े बिजी है, इसलिए नायरा और मैं गुड नाइट कहने आया, हम दोनों बाहर ही अपना रिलैक्स करेंगे जब तक वो फ्री नहीं हो जाते। और नायरा बोली मम्मा बहुत हो गया, आपने गुड नाइट के लिए बोला था, ज्यादा मत बोलो, जल्दी से गुड नाइट बोलो, इसलिए बाय फ्रेंड कर रही है। सो इसी के साथ हम आपको कहते हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ड्रीम ओ गुड, लाइक, यय, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब कर दो, करते क्यों नहीं हो? थैंक यू ओके, थैंक यू अच्छा, नायरा को आजकल ये आइसक्रीम और चॉकलेट का हो गया तो इसलिए बोलिए आइसक्रीम दे देना, चॉकलेट मत देना, इसलिए बोलिए आइसक्रीम दे दे। अच्छा थैंक यू तो बोल दो, हाँ बाय बाय। अरे मम्मा को तो बोलने दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, गुड नाइट, कट। आई लव यू बोल दो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। आप सब भी ठीक रहो। आप भी ठीक रहो।